बहुत दुखद खबर है। अपने बीच बीजेपी की वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रखर वक्ता सुषमा स्वराज नहीं रही। बताया जाता है कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और उसके तत्काल बाद उन्हें एम्स ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। काफ़ी देर तक उनके गंभीर होने की खबरें आती रही, लेकिन अंततः ये बताया गया कि अब वो अपने बीच नहीं रही। देखिए क्या संयोग है कि जिस जम्मू कश्मीर के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपनी कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी को एक तरह से सार्थक करते हुए बीजेपी सरकार, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर के धारा 370 ख़त्म की। आज लोकसभा से वो पारित हुआ। इसके बाद बताया जाता है कि सुषमा स्वराज काफ़ी खुश थी और उन्होंने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि अगले ही क्षण क्या होने वाला है और उनकी स्थिति इतनी गंभीर होने वाली है। सुषमा स्वराज के बारे में ये बता दें कि वो सबसे कम उम्र की महिला मंत्री बनी थी हरियाणा में, और वो अन्य दलों से होते हुए बीजेपी में आई थी। वो अपने मृदुल व्यवहार, अच्छे व्यवहार और प्रखर वक्ता होने के नाते जानी जाती थी। वाजपेयी गवर्नमेंट में भी वो मंत्री रही थी और मोदी सरकार में भी वो मंत्री रहीं। विदेश मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने बहुत बखूबी निभाई। और इसके अलावा उनकी खासियत ये थी कि जो मोदी 1.0 में वो विदेश मंत्री थी, उस दौरान उन्होंने भारतीयों को जो दूसरे देशों में फंस जाते थे या किसी को वीज़ा लेने में दिक्कत होती थी, कोई भी जो समस्या आती थी, उन्होंने जो है ट्विटर पे आने वाले संदेशों के जरिए लोगों की काफ़ी मदद की। और इसको लेकर के वो काफ़ी फेमस भी हुई, जिसकी तारीफ विपक्षी दलों ने भी की और पीएम मोदी ने भी की। लेकिन मोदी 2.0 में उन्होंने कोई मंत्री पद नहीं लिया था, उसके पहले ही उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था स्वास्थ्य कारणों से। और उसके बाद उन्होंने, वो इकलौती ऐसी नेता हैं जिन्होंने कि मंत्री पद नहीं मिला या सांसद नहीं रही, तो उन्होंने तत्काल अपना बंगला भी खाली कर दिया था और इसके बाद वो स्वाध्याय में लग गई थी। लेकिन उनके स्वास्थ्य के बारे में बता दें कि पिछले काफ़ी दिनों से, यानी कि 2016 से ही उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, यहाँ भी इलाज हुआ और कई जगहों पर उनका इलाज चला, स्वेलिंग भी रहता था, लेकिन ये नहीं लग रहा था कि सुषमा स्वराज इतनी जल्दी छोड़ करके चली जाएंगी। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो सिर्फ पठन पाठन में अपना टाइम लगाएंगे, स्वास्थ्य पे ध्यान देंगी जैसा कि उन्होंने पहले कहा था। तो वो जो है स्वास्थ्य पे ध्यान देगी तो और काफ़ी लंबा खींचेंगी, बीमार रहती थी ये अलग बात है, लेकिन वो अचानक छोड़ करके चली गई। सुषमा स्वराज याद की जाएंगी अपने व्यवहार के लिए, अपने काम के लिए, अब प्रखर वक्ता होने के नाते, और भी कई गुण थे उनमें जिनकी वजह से वो याद की जाती रहेंगी। निश्चित रूप से जो है सबको दुख हो रहा है और इन खबर की तरफ से भी उन्हें श्रद्धांजलि।